होली के त्योहार से पहले शहर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए गोहाना पुलिस ने कमर कस ली है। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। इस दौरान संदिग्ध वाहन चालकों की तलाशी भी ली जा रही है। वहीं ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। यही नहीं, महिला पुलिस कर्मियों ने भी सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। गोहाना सिटी थाना के SHO देवेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस पूरी तरह सतर्क है। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस ने त्योहारों में विशेष अभियान चलाया है। उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु जगह जगह पुलिस द्वारा नाकाबंदी और वाहन चेकिंग जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिस संबंध में हमारे द्वारा महिला पुलिस भी लगाई गई है और किसी प्रकार की घटना को अंजाम ना दिया जा सके उसके लिए गहनता से हर वाहन चालक की जांच की जा रही है। जी सब कई ट्रैफिक रूल भी तोड़ते हैं, उनके खिलाफ चालान किए जा रहे हैं। भाई जो आम पब्लिक है वो किसी भी वजह से, किसी शरारती व्यक्ति की वजह से परेशान ना। दरअसल गोहाना शहर में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही अपराध की घटनाएं न सिर्फ आम जनता के लिए बल्कि पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। इसलिए पुलिस ने बाजारों समेत भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इस दौरान पुलिस पैदल गश्त कर बाजारों की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए है ताकि हथियारों के जश्न में कोई खलल न पड़े। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।